इंडिया और चाइना के बीच 4 दिन पहले नया पेट्रोलिंग समझौता हुआ और उसके बाद एक्शन मोड पर दोनों बॉर्डर पर आए हैं। और इन सब के बीच में ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिका का रिएक्शन भी आ गया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इंडिया चाइना के बीच 4 दिन पहले नया पेट्रोलिंग समझौता हुआ था। अब दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई है। डैमचौक और देपसांग पॉइंट में सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड हटाने शुरू कर दिए हैं। सैनिक गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण भी पीछे ले जा रहे हैं। भारत चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव अब खत्म होता दिख रहा है। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिकों की वापसी शुरू हो चुकी है। डैमचौक में भी एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। दोनों तरफ से अब तक 5 टेंट हटा लिए गए हैं। अन्य टेंट हटाने की प्रक्रिया जारी है। और कहें इंडिया टुडे की खबर के अनुसार तो गुरुवार 24 अक्टूबर की रात तक लगभग आधे टेंट हटाए जा चुके थे। बताया गया कि एक बार जब सभी टेंट और अस्थायी ढांचे पूरी तरीके से हटा दिए जाएंगे तो दोनों देशों की एक संयुक्त सत्यापन प्रक्रिया शुरू होगी और सत्यापन जमीन पर और हवाई सर्वेक्षण दोनों के माध्यमों से किया जाएगा। हालांकि वर्तमान में दोनों पक्षों के बीच आपसी विश्वास के आधार पर काम आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक डैमचौक एरिया में भारतीय सैनिक चार्डिनल नाला के पश्चिमी हिस्से में पीछे हट रहे हैं, वहीं चीनी सैनिक नाला के पूर्वी हिस्से की तरफ पीछे हट रहे हैं। दोनों तरफ करीब 10 से 12 अस्थायी ढांचे और करीब 12 तंबू बने हुए हैं जिन्हें हटाने की तैयारी की जा रही है। उधर देपसांग पॉइंट में चीनी सेना के टेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने गाड़ियों के बीच तिरपाल का इस्तेमाल कर अस्थायी व्यवस्था कर रखी है। हालांकि देपसांग में अब तक आधे ढांचे हटाए जा चुके हैं। चीनी सेना ने इलाके में अपने वाहनों की संख्या भी कम कर दी है और भारतीय सेना ने भी वहां से कुछ सैनिक कम कर दिए हैं। खबर के मुताबिक हर सुबह दोनों देशों के स्थानीय सैन्य कमांडर दिन में होने वाले कामों पर चर्चा करने के लिए हॉटलाइन कॉल करते हैं, फिर वे तय करते हैं कि तय की गई जगह पर जाकर मिलते हैं। गलवान सहित 4 बफर जोन पर चर्चा अभी तक नहीं हुई है। बताया जाता है कि एक बार जब डैमचौक और देपसांग में गश्त फिर से शुरू की जाएगी तो कोर कमांडर स्तर की वार्ता में बफर जोन में गश्त फिर से शुरू करने की बात की जाएगी। 21 अक्टूबर को भारतीय विदेश मंत्रालय ने इंडिया चाइना के बीच LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर एक समझौता होने का ऐलान किया था। मंत्रालय ने कहा था कि दोनों देशों के बीच सीमा से सेना हटाने को लेकर सहमति बन गई है। इसके कुछ घंटे बाद चीन ने भी पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध कम करने के लिए भारत के साथ समझौता होने की पुष्टि की थी। भारतीय विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर का कहना है कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच सीमा पर साल 2020 से पहले की स्थिति बहाल होगी, यानी 2020 में भारतीय सैनिक जिस जगह गश्त कर रहे थे अब फिर से वहीं पर गश्त कर सकेंगे। 2020 में भारतीय सैनिक जिस जगह गश्त कर रहे थे अब फिर से वहीं पर गश्त कर सकेंगे। साल 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिकों के साथ ही कई चीनी सैनिकों की भी मौत हुई थी। तब से ही दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। ऐसे में अब जो सहमति बनी है वो दोनों को राहत देने वाली है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ अब रिएक्शन भी निकल कर आ रहा है अमेरिका का। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू मामले को लेकर अमेरिका का प्रेम लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से पूर्व भारतीय सरकारी अधिकारी विकास यादव के खिलाफ हत्या की साजिश में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप की घोषणा के कुछ दिनों बाद अब अमेरिका ने एक कदम आगे बढ़ाया है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत इंटरव्यू में अमेरिकी राजदूत ने कहा कि अमेरिकी अधिकारी मामले में भारत की जांच में प्रगति से संतुष्ट हैं, लेकिन अमेरिका तभी संतुष्ट होगा जब जवाबदेही हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाए, न कि केवल यह आश्वासन कि भविष्य में अपराध को दोहराया नहीं जाएगा। गार्सेटी ने कहा कि अमेरिका किसी भी तरह से आपराधिक गतिविधि पर समझौता नहीं कर सकता है, चाहे वो दुश्मन की तरफ से हो या फिर करीबी दोस्त की तरफ से। उन्होंने इस पर टिप्पणी नहीं की कि क्या अमेरिका भारत के प्रत्यर्पण की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्यर्पण केवल उसके गिरफ्तार होने के बाद ही हो सकता है। अमेरिकी राजदूत ने यह भी दावा किया कि इस मामले को सही तरीके से न सुलझा पाना भारत और अमेरिका के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा सकता है। कनाडा में खालिस्तान अलगाववादियों को मिली छूट और अमेरिकी धरती पर वास्तविक खतर और अमेरिकी धरती से उनके द्वारा दी जाने वाली धमकियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा
कि अमेरिका वास्तविक खतरों को गंभीरता से लेता है। उन्होंने भारत के साथ मजबूत आतंकवाद विरोधी सहयोग का हवाला देते हुए मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राना के खिलाफ प्रत्यर्पण केस का जिक्र किया। गारसेटी ने कहा कि हमने शुरू से ही दो बातें कही है, किसी भी देश से दूसरे देश में इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है। निश्चित रूप से अमेरिकियों के रूप में हमारे लिए ये अस्वीकार है। उन्होंने कहा कि ये एक रेड लाइन है जो दुश्मन या सबसे करीबी दोस्त से आती है। गारसेटी का कहना है कि ये हमारी पहली जिम्मेदारी है, चाहे वे कोई भी हो या कुछ भी कहें, ये तय करना कि भाड़े पर हत्या करना गैर कानूनी है, जैसा कि हर देश में है। उन्होंने कहा कि दूसरा, हम जवाबदेही चाहते हैं, न केवल ये कहना कि ये भविष्य में नहीं होगा, बल्कि इसमें जो लोग शामिल हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। हमारे अभियोजक इसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारे अभियोजक 100% राजनीतिक नहीं है, उनकी अपनी एक अलग दुनिया है। भारतीय जांच आयोग द्वारा अब तक किए गए काम पर संतोष व्यक्त करते हुए राजदूत ने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि भारत कानून तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आपराधिक जवाबदेही तय करेगा। गारसेटी ने कहा कि हम इस बात से खुश हैं कि जांच आयोग का गठन किया गया। इन्होंने कहा कि वॉशिंगटन में अच्छी गहन चर्चा हुई है, जानकारी साझा की गई है, हमें भारतीय पैनल से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। उन्होंने कहा कि हमारे कानून प्रवर्तन अधिकारी इससे खुश थे, लेकिन अंततः मुझे लगता है कि अमेरिका में लोग तभी संतुष्ट होंगे जब जवाबदेही मिलेगी। खैर, अब ये सब कुछ जो देखने को मिल रहा है, इससे एक चीज जरूर समझ में आ रही है कि यहाँ बौखलाया हुआ है अमेरिका। वैसे तो अमेरिका की तरफ से जब पूछा गया कि भारत और उसमें शांति हो गई है चाइना में, तो आपका रुख क्या है, तो इस पर इन्होंने कहा, अच्छी बात है, हम तो चाहते ही है, हम तो हमेशा से चाहते है कि भारत, चाइना, इंडो पैसिफिक हर इलाके में शांति रहे, खुशहाली रहे। पर यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये सब कुछ अच्छी बात है अगर ऐसा चलता है तो। वैसे आपको बता दूं, ये जो बड़ा परिवर्तन हुआ है और इस बड़े परिवर्तन के साथ भारत के ब्रिक्स में शामिल होने और ब्रिक्स के डिसीजन के बाद बहुत सारी चीजें यहाँ बदलती हुई नजर आ रही हैं और ये एक खुंदस भी देखने को मिल रहा है। वैसे आपको बता दूं, कनाडा मामले में अभी तक यूके शांत था, लेकिन अब यहाँ पर यूके ने भी उसका सपोर्ट किया है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अब भारत एक अहम किरदार बन गया है चाइना, रूस और अमेरिका के इस पूरे खेल में। खैर, अब जो भी चीजें यहाँ चलेंगी वो थोड़ा अलग जरूर चलेंगी। जिस तरीके से भारत का बदलाव हो रहा है, वो बदलाव बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। खैर, जहाँ जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में ये चेंजेस हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का रवैया यहाँ ऐसा है जैसे गुस्से में लोग एक्शन लेते हैं, वैसा ही ये कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। चल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।